स्वाद चटोरी जुबान स्वाद चखेगी। ताइवान के इन खानों का, ताइवान पहुंची ये सारी हसीनाएं आज मजा लेंगी ताइवान के खाने का, और ये बताएंगी कि उनकी चटोरी जुबान को कितना रास आया ताइवान का ये खाना। आप सबका स्वागत है SBS के चटोरे सेगमेंट में। देखिए यहाँ पर बहुत वैरायटी फूड है और नाम हमें नहीं पता है, लेकिन बहुत न्यूट्रिशियस है। ऑलमोस्ट इनका बॉइल्ड खाना रहता है, रॉ रहता है और सेमी कुक्ड रहता है। दैट्स व्हाई दे हैव ब्यूटीफुल स्किन एंड हेयर। सो हमारे लिए थोड़ा, हमारे टेस्ट ग्लैंड्स के लिए अडेप्टेबल नहीं है, बट मुझे बहुत मज़ा आ रहा है। मुझे वैसे भी क्विजींस वगैरह ट्राई करने के लिए बहुत आई रियली एंजॉय डूइंग दैट। आप देख सकते हैं कि कैसे बॉयल्ड खाना मिला है, और मैं और सुकीर्ति तो खा ही नहीं रहे, वी आर लिटरली हैविंग अ फास्ट। बहुत ज़्यादा चटोरी, मेरे घर पे मेरा नाम भी चटोरा है। आई ओनली लाइक, अब मैं उन खानों को रिमाइंड नहीं करवाना चाहती हूँ, बट मेरा पैलेट जो है वो काफ़ी इंडियन है। भेलपुरी, चाट, पापड़ी और दही वड़ा और डोसा, छोले होते डेफिनेटली, दाल मखनी और बटर चिकन और राइस, जीरा राइस डेफिनेटली, और चटनी और पापड़। पानीपुरी होनी चाहिए थी, एकदम चटपटा वाला पानीपुरी। तंदूरी चिकन भी हो जाता, स्पाइसी तंदूरी चिकन, तो मेरे लिए बस ये दो होता तो काफी था। ये देखिए, ये लब लबा रही है, ये सुन सुन कर। बरखा का फिगर से लगता है दैट शी इज वेरी गुड विद रॉ फूड एंड ऑल, सो क्या कहना चाहेंगे आप? मुझे भी ये इस टाइप का खाना बिल्कुल पसंद नहीं है ऑनेस्टली। बहुत ही ज़्यादा मतलब हेल्थ कॉन्शियस वाले लोग आई थिंक ऐसा खाना खाते होंगे, बट दिस इज़ देयर लोकल फूड। बट फिर भी मैंने I have managed to eat, मुझे इनका स्टिकी राइस बहुत पसंद है और मुझे ग्रीन वेजिटेबल्स बहुत पसंद है, सो आई एम हैविंग द स्टिकी राइस विद दिस। और मैं मतलब राइस तो मुझे चाहिए होता है, जब तक मैं राइस ना खाऊँ मुझे लगता है मेरा खाना कम्प्लीट नहीं हुआ है। सो राइस है, ग्रीन वेजिटेबल्स हैं बस। लगता है इन देसी कुड़ियों को देसी खाना ही पसंद है, क्योंकि ताइवान की लोकल कुजीन इनको रास नहीं आई। इन देसी गर्ल्स को तो देसी तड़का ही पसंद है, चटपटे और तीखे खाने के अलावा इन्हें और कुछ पसंद ही नहीं आता। ताइवान से स्नेहा शर्मा की रिपोर्ट।